पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में खर्च कर देना और अपने सपनों का घर बना लेना, ये भारत में आम बात है। लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद घर का लुक अपने मन के मुताबिक नहीं बना तो किसी का भी दिल टूट जाता है। लेकिन इसमें गलती किसकी है पता नहीं लगता। दरअसल हमें या फिर भारत में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि घर की डिजाइन कैसी होंगी तो घर सुंदर दिखेगा। इसलिए लोग अपने मन से या फिर ठेकेदार के दिल से या फिर किसी और के घर की डिजाइन देखकर ही अपने घर का डिजाइन बना लेते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए हमने ये आज का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि आपके घर की डिजाइन कैसी देनी होंगी जिससे आपका छोटा सा घर किसी बंगले जैसा दिखेगा। सबसे पहले आपको घर की बेस्ट डिजाइन बनाने के लिए बेस्ट घर का नक्शा बनाना पड़ता है। मतलब आपके नक्शे में रूम्स आगे पीछे होना चाहिए और गैलरी भी आगे पीछे होनी चाहिए, जैसा कि इस नक्शे में दिख रही है और इस नक्शे में भी दिख रही है और इस एलिवेशन में भी दिख रहे हैं। डब्बे जैसा घर का नक्शा बनाया तो डिजाइन बनाने के लिए प्रॉब्लम होती है और डिजाइन बनाने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते, फिर ऐसे डब्बे जैसे डिजाइन बन जाते हैं। दूसरी बात काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी घर बनाए तो घर का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल रखे, मतलब ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल ना करें। और हाँ, ज्यादा भड़कीले कलर्स का कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो डिजाइन कितना भी सुंदर हो आपका घर सुंदर नहीं दिखेगा। घर रिच दिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कलर का इस्तेमाल करें, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ऐसे कलर्स घर को रिच लुक देते हैं। ज्यादा बारीक मतलब छोटी छोटी डिजाइन भी घर को ना दे, नहीं तो घर पुराने स्टाइल का दिखेगा, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। बड़े बड़े पार्ट्स में डिजाइन बनाएंगे तो घर लग्जरियस नजर आएगा, जैसा कि इन फोटोज में आप देख सकते हैं। छोटे पार्ट्स का यूज नहीं दिया है, सिर्फ बड़े और चौड़े पार्ट्स ही बनाए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो की जानकारी से आपको घर का डिजाइन कैसा रखना चाहिए समझ में आया होगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो किसी एक्सपर्ट इंजीनियर या फिर डिजाइनर से अपने घर का नक्शा या फिर डिजाइन जरूर बनवा ले। हमने भी अभी तक हजारों घर के नक्शे और डिजाइन बनाए हैं। आप हमसे भी इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके हमारे चार्जेस और प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.